कांग्रेस के चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सदन शुरू होते ही कांग्रेस ने कई सवाल सदन में रखे, जिसमें कानून व्यवस्था का सवाल सबसे मुख्य था और सरकार ने कानून व्यवस्था पर जो जवाब दिया उससे विपक्ष के साथ साथ प्रदेश की जनता भी असंतुष्ट है। और आगे कहा कि आज यूके SSS समेत कई मामले पटल पर कांग्रेस रखेगी। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कार्य मंत्रणा में कुछ बात करती है और विधानसभा में कुछ और। साथ ही उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सरकार में सदन को चलाने की हिम्मत नहीं है। जबकि भाजपा विधायक खजान दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार के पास पूरा बिजनेस है, लेकिन इस बीच ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कल की सदन की कार्यवाही देखते हुए सदन अपने प्रस्तावित 7 दिनों तक चलना मुश्किल है। कल से सदन प्रारंभ हुआ और बहुत सारे मुद्दों को हमने सदन में उठाने का प्रयास। कानून व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त है, उस पर जो है सरकार का जो जवाब आया है, मैं समझता हूँ तमाम उत्तराखंड के लोग सरकार के जवाब से निश्चित रूप से संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से आज जो है यूपीएससी साथियों का प्रश्न सदन के अंदर ये भी आता और अन्य बहुत सारे विषय को हम प्राथमिकता के आधार पर सदन नहीं है। सरकार के पास पूरा बिजनेस है और उसको पटल में रख दिया है और आज जो बजट कल रखा गया है उसका पारण होना है और उसके बाद जो बिजनेस होगा वो आपके सामने होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं बिजनेस की कोई कमी है। अच्छा, समय के साथ साथ जो है सत्र ऐसा नहीं है कि जब जितना काम होता है उसी हिसाब से सत्र चलता है। काम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लंबा चलेगा। अभी ये भी कहा गया है कि आगे जो बजट सत्र होगा जो मार्च में होगा उसको गैरसैंण में करने का सबका मन भी है, सभी विधायकगण भी चाहते हैं और जनता भी चाहती है। इस प्रकार से वो सत्र बहुत लंबा होगा और तो इसलिए ऐसा नहीं कि सत्र का कहीं पे कटौती हो रही है। जितना काम होगा उतना सत्र। सर, स्मार्ट सिटी का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी हल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है उसका समाधान किया गया है और अभी कुछ ऐसा काम रह गया है कि जिसको होना है। अभी ये आश्वासन दिया गया है कि हम काम को तीव्र गति से करेंगे और ऐसे जो ठेकेदार थे जो लंबे 3-4 सालों से सबको इस तरह से गुमराह करने का काम कर रहे थे, वो काम में गति नहीं आ रही थी, उस ठेकेदारों को उनको बाहर कर दिया गया।